चैनल कैसे हो आप सब। आई होप आप सब मस्त हो गए और बहुत अच्छे हो गए और हम बहुत एक्साइटेड हैं। मैं तो सुबह उठ के नहा ली हूँ, आई एम फ्रेश एंड क्लीन। अब मेरे को जाना है नेल पेंट लगाने, मेरा बहुत बहुत ही फेवरेट काम है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है नेल पेंट लगाना। तो अभी वैसे भी फेस्टिव वाला टाइम है तो थोड़ा सा अच्छा सा नेल पेंट लग जाना चाहिए, तो मैं वही जा रही हूँ। और उसके बाद पैकिंग ऑलमोस्ट हो गई है, सब लोगों की सारी चीज़ें हो गई हैं पैकिंग, तो हम आप लोगों को दिखाते रहेंगे। अभी हमें अपने प्लांट्स को बाहर रखना है गेट के बाहर, ताकि दीदी बीच बीच में आकर उसमें पानी दे दे। और बस उसके बाद फिर हम लोग लंच तो हम लोग कुछ करने नहीं वाले हैं, हम एयरपोर्ट पे जाके खाएंगे, हमने डिसाइड कर लिया, ये नहीं हो रहा। बट हम लोग कहाँ जा रहे हैं आपको थोड़ी देर में पता चलेगा, अभी चलते हैं नेल पेंट लगाते हैं। मैंने ये गोल्ड कैप्चर, मैंने ये गोल्ड डस्ट शेड लगा। तो मेरा सामान सेट है, मैं ले जा रही हूँ अपना न्यू बैग, यही वाला बैग हमने निष्ठा को गिफ्ट किया था ब्लैक में, और ये मेरा हमेशा वाला बैग है। अब हम अपने कंटेस्टेंट से पूछेंगे क्या आप लोग क्या हालत है। ठीक है, ये एज यूजुअल मम्मी एज यूजुअल पैनिक में है, सो रिलैक्स, नथिंग टू वरी। पापा इज एकदम ठीक। एंड जैसा मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि एक इंसान है हमारे घर में जो कि 2 बजे निकलना होता है तो 1 बजे पैकिंग करती है, तो आप उनका बेड देखें, उनकी पैकिंग अभी चालू है। बाकी गॉगल्स नहीं लेना ना, हम अपना सब रख रहे हैं भैया। अच्छा, अभी पहले पानी दे देते हैं। हम अपने पौधों को बाहर निकाल चुके हैं, मतलब बाहर नहीं निकाले हैं, बाहर रख दिए हैं, अभी उनपे पानी दे देते हैं क्योंकि उन लोगों को। ये देखो यहाँ आ गए हमारे सारे लाइन से इधर और 2 इधर, इंडोर इंडोर वाले अंदर ही हैं। वी आर एट द एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट बहुत अच्छा सजाया हुआ है, आधार कार्ड है, एयरपोर्ट बड़ा अच्छा सा सजाया है। दिस इज द सिचुएशन, आधार कार्ड ले लिया, सब कुछ ले लिया, 2 मास्क भी पहन लिए हैं। चलो इतना लंबा एंट्री करने का टाइम तो भाई साहब, हमें कम से कम 1 घंटा लगा है चेक इन और सक्सेसफुल हो गए, सिक्योरिटी और सब कुछ करा के। हाँ बिल्कुल खरीद सकते हैं, हमारे पास अभी 1 घंटा है। नहीं पापा से पूछा हमको कितना टाइम है अभी हमारे पास वहाँ जाने से पहले। अब हम खाने पे टूटने जा रहे हैं क्योंकि हमें बहुत भूख भी लग गई है, हम लोगों ने कुछ खाया नहीं है और टाइम बहुत कम है, तो अब हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं। सो फाइनली हमारा खाना आ गया है, अब हम खाते हैं, जल्दी से खाते हैं और फिर अब जिनचे जाते हैं अपने गेट के पास, क्योंकि गेट भी काफ़ी आगे है ना, बहुत आगे, लास्ट गेट है, 31 समथिंग है। लेट्स ईट। वॉकिंग एक्सीलेटर्स है ना, बड़े मस्त लगते हैं है ना। मने तो चलो मुझे तो बड़े मस्त लगते हैं, कोई डर नहीं। यो ये लिटरली वो कि ठहरा रहा, जमीन चलने लगी लिटरली। रिया दी हम बोल रहे हैं ये वो वाला गाना का लिटरल है, मैं ठहरा रहा जमीन चलने लगी। तो अब हम बस
तो हम आ गए हैं अपने घर पटना। एंड अभी दादी माँ बाबा अपना भजन देख रहे हैं तो उनको डिस्टर्ब नहीं करते। ये हम लोग दिवाली मनाने आए हैं। एंड आई डोंट नो ये वाला व्लॉग कितना बड़ा हुआ होगा, क्या हुआ होगा, बट ये पूरा हमारे जर्नी का व्लॉग था। अब हम आराम से आ गए, ऐसा कुछ था नहीं, बट हाँ थोड़ा दिल्ली एयरपोर्ट पे थोड़ा ज़्यादा ही भीड़ हो गई है। इतनी ज़्यादा भीड़ थी, हमें चेक इन सिक्योरिटी कराने में ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लगा ऑलमोस्ट। तो अभी देखते हैं क्या खाने में बना है और फिर आप लोगों को दिखाएंगे रात में, मज़ा आएगा। अब हम नेक्स्ट 1 वीक यहीं रहने वाले हैं, दिवाली सेलिब्रेट करेंगे, मज़े करेंगे। ये हमारे बाबा का मोबाइल है, हम लोगों का काम है कि हम लोग बाबा को मोबाइल पे ट्रेन करके जाएंगे, है ना बाबा? बाबा को वीडियो कॉलिंग सिखा के जाना है, ये हमारा वो है। और लोग अभी चाय पी रहे हैं, शुरू से करेंगे हम, तो लाइटें बुताने नहीं आता है। लाइट बुताने में क्या है, इसको दबा दीजिए लाइट। दिस इज विलिंगनेस। 86 इयर्स में भी बाबा सीखने को तैयार है अभी। कौन सा लाइट? टॉर्च। हाँ टॉर्च हो जाएगी। हो रही है हमारे यहाँ दिवाली की सफाई, ये हम फेंक रहे हैं क्योंकि ये देखो कैसा टूटा हुआ सा है। मम्मी आते ही लग गई है काम में बिल्कुल स्पीड से और साफ सफाई चालू कर दी है। तो ये सो आप लोगों को कितनी भगवान जी की फोटो दिख रही होगी, ये दादी माँ बाबा का रूम है और ये बेड है ना, ये बेड मम्मी का लाया हुआ है, मतलब मम्मी की शादी में उसको मिला था ये वाला बेड, है मम्मी? मम्मी की ड्रेसिंग टेबल पे बैठने वाला वो था। तो यही था, ये वाला व्लॉग मैं यही एंड कर रही हूँ। अब दूसरा व्लॉग जल्दी स्टार्ट करूंगी क्योंकि फिर पता नहीं ऐसे बहुत सारी चीजें होती रहती है ना पूरे दिन, और आधे टाइम तो आप बैठ के बातें ही करते रहते हो सबके साथ, तो ऐसे व्लॉग बन नहीं पाता है। बट ये वाला व्लॉग यही एंड करते हैं, हम जल्दी ही स्टार्ट करेंगे दूसरा व्लॉग और आप लोगों से मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। आजकल व्यूज बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, प्लीज सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो।